हाय फ्रेंड्स, सरलास किचन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक डेजर्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, वो है ऑरेंज मूस कपकेक्स। जो आपको बेक भी नहीं करना है या फिर इसमें ना कोई जिलेटिन है कि ना मैदा है कि ना बेकिंग पाउडर है, और तो भी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ऑरेंज मूस कपकेक बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये 3 ऑरेंज लेते हैं और ये ऑरेंज में से छिलका निकाल देते हैं। छिलका निकालने के बाद फ्रेंड्स, इसमें से जो भी पीसेस निकलते हैं वो पीस निकाल देते हैं। ऐसे ही हम तीनों ऑरेंज में से ऐसे पीस निकाल के इसका हम जूस निकाल देते हैं। और ये जूस 3 ऑरेंज में से 1 कप जितना जूस निकला है, तो ये 1 कप जूस मैंने छलनी से छान लिया था ताकि अंदर बीज वगैरह कुछ ना जाए। तो 1 कप जूस लेते हैं और अभी इसके अंदर हम 1/4 कप जितना कॉर्नफ्लोर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर मतलब मकई का आटा नहीं, कॉर्न स्टार्च जो रेडीमेड पैकेट में मिलता है। और अभी इसमें जो कप से हमने ऑरेंज जूस लिया वही कप से 1 कप दूध लेते हैं, और जो कप से कॉर्नफ्लोर लिया उसी कप से इतना 1/4 कप जितना शुगर लेते हैं, चीनी, वो ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स हो जाए बाद में इसमें हम 1/4 कप जितना क्रीम लेते हैं, यानी 1 कप ऑरेंज जूस, 1 कप दूध और 1/4 कप चीनी और 1/4 कप क्रीम, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, सीधा माप है फ्रेंड्स। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मिक्स करने के बाद अभी हम इसको नॉनस्टिक कढ़ाई में डाल देते हैं। नॉनस्टिक कढ़ाई में डालने से क्या है फ्रेंड्स, इसमें पकाने से थोड़ा भी ये नीचे चिपकेगा नहीं, और इसमें जो भी नीचे चीनी रह गई है वो सब हम निकाल देते हैं और डाल देते हैं। अभी गैस की फ्लेम ऑन करके इसको पका लेते हैं, और इसको मीडियम आंच पे पकाना है, तेज आंच नहीं रखनी है फ्रेंड्स, और अच्छे से इसको चलाते ही रहना है। ये थोड़ा ठीक हो जाए तब तक हमें चलाते ही रहना है, नीचे थोड़ा भी जलना नहीं चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो फिर उसका जली हुई इसमें स्मेल आती है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अच्छे से थोड़ा थोड़ा घट होने आया है, थोड़ा ठीक हो रहा है फ्रेंड। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और बेकिंग सिस्टम तो है ही नहीं, तो आपके पास ओवन नहीं है तो भी ये बहुत अच्छे से ये डेजर्ट बन जाता है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, देखो ये थोड़ा थिक होने गए होने लगा है। कोई गेस्ट आता है तो फ्रेंड्स ये बना के आप कप भर के फ्रिज में रख सकते हो, और ये बहुत अच्छे से ये थिक हो गया है। अभी इसके अंदर हम व्हाइट चॉकलेट ऐड करेंगे। ये 1/4 कप जितना व्हाइट चॉकलेट है वो मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और इसको ऐड कर लेते हैं। ये गरम गरम में व्हाइट चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है, तो चलाते रहते हैं। जब तक चॉकलेट मेल्ट होती है तब तक हमें ये चलाना है, और ये बबल्स आ गए हैं। तो अभी हमारा ये मिक्सर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। तो अभी इस स्टेज पे हम थोड़ा सा ऑरेंज कलर ऐड कर लेते हैं। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, ऑरेंज कलर आप नहीं ऐड करोगे तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 1 बूंद जितना मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर ले रही हूँ, ज्यादा कलर नहीं ऐड करना है, एकदम नेचुरल। अभी ये ऑरेंज मूस अभी रेडी हो गया है फ्रेंड्स। अभी गैस की फ्लेम बंद कर लेते हैं। अभी क्या करते हैं, मेरे घर में ये छोटे छोटे कप है, ये कप में हम बना लेते हैं। तो ये मूस को हम प्लास्टिक बैग में भर लेते हैं। आपके पास ऐसा बैग नहीं है तो आप जो आप दूध लेते हो उसमें भी आप भर सकते हो, और आगे से कट करके हॉल करना है तो ये हॉल कर लेते हैं और फिर कप में भर लेते हैं।
ऐसी बैग आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, दूध की बैग तो सबके घर में होती है, तो दूध की बैग में भर सकते हो और अच्छे से ये सब कप में हम भर लेते हैं। कप में भरने के बाद फ्रेंड इसको थोड़ा टैप कर लेते हैं ताकि सेट हो जाए और ऐसे ही सब कप में भर के फिर फ्रिज में सेट करने रख लेते हैं। फ्रिज में करीबन 3 घंटे के बाद अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि हाथ में देखो थोड़ा भी नहीं लग रहा है, यानी ये सेट हो गया है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स ना जिलेटिन हमने ऐड किया ना कोई पे केमिकल ऐड किया तो भी ये सेट हो गया है। और अभी ऊपर से हम गार्निश कर लेते हैं, तो ये क्रीम है, क्रीम से हम ऐसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। आपके पास क्रीम नहीं है तो फ्रेंड्स आप ऊपर अनार के दाने या कोई भी अट्रैक्टिव फ्रूट से भी आप गार्निश कर सकते हो। और अभी इसके ऊपर हम चेरी लगा देते हैं। चेरी लगाने से फ्रेंड्स टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है, और लुक देख के ही बच्चों को और सबको खाने का मन करता है। खाने में हेल्दी तो है, टेस्टी भी है और लुक भी अच्छा है, तो फिर ये डेजर्ट तो बनता है। और ऊपर से ये थोड़े थोड़े ऑरेंज के पीसेस लगा देते हैं। वाओ, हमारा ये ऑरेंज मूस कपकेक सब रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स आप ये घर पर ज़रूर बनाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।